गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पांच ट्रेनिंग विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने शिक्षण विषय विज्ञान के अंदर अध्ययन कर रहे थे। अपने विज्ञान के अंदर जीव विज्ञान शिक्षण विषय जो बायोलॉजी है उसको शुरू किया हुआ था। पीछे वाले वीडियो के अंदर अपने शिक्षण सहायक सामग्री थी उसके बारे में अध्ययन कर रही थी। तो शिक्षण सहायक सामग्री जो है इसके ऊपर दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि हमने पढ़ रहे थे शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। इसके अंदर हमने इसके तीन प्रकार पढ़े थे शिक्षण सहायक सामग्री के। शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर पढ़ा था कि ऐसी सामग्री है जो विद्यार्थियों को शिक्षण के दौरान उनकी सहायता करती है। तीन प्रकार की पढ़ी थी, श्रव्य सहायक संसाधन, दृश्य सहायक संसाधन और श्रव्य दृश्य सहायक संसाधन। श्रव्य सहायक संसाधन वे संसाधन अपने पढ़े थे जिसमें जो है जो अपने कह सकते हैं कि ज्ञानेंद्रिय है कान, उसकी सहायता से बच्चे जो है अधिगम में सहायता प्राप्त करते हैं। यह शिष्य श्रव्य साधन वो थे जिनके द्वारा अपने सुनकर के रूप और अपने अधिगम में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रव्य संसाधन के बारे में हमने पढ़ दिया था पहला। दूसरा टाइप जो था शिक्षण सहायक सामग्री का, ठीक है, वो अपने यहाँ शुरू करते हैं। दूसरा जो इसका शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार होता है दृश्य सहायक संसाधन, यह दृश्य संसाधन जो है जो शिक्षक की सहायता हमें देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आज अपना जो है सब्जेक्ट जो है पढ़ा करोगे बायोलॉजी रहेगा, जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र और टॉपिक है अपना विजुअल टीचिंग एड्स, ठीक है। दृश्य सहायक संसाधन जो शिक्षण में सहायता करते हैं। तो परिभाषा की बात करें तो वे संसाधन या वे साधन जो बच्चों के शिक्षण में या अधिगम में सहायता करते हैं और बच्चे उनको देख करके उनसे सहायता प्राप्त करते हैं, या बच्चों की जो ज्ञानेंद्रिय है आँख, ठीक है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियाँ पांच होती हैं जो ज्ञान का अनुभव कराती हैं अपने को, आँख कान नाक जीभ त्वचा, ठीक है, ये ज्ञानेंद्रियाँ पांच। तो दृश्य सहायक संसाधन जो है इसमें बच्चे की जो है आँख ज्ञानेंद्रिय है वो एक्टिव रह करके सहायता करती है या सहायता प्राप्त करती है। तो दृश्य सहायक संसाधन वे सहायक संसाधन है जिनको बच्चे देख करके उनसे अधिगम में या शिक्षण में सहायता लेते हैं या प्राप्त करते हैं। तो दृश्य सहायक संसाधन बहुत सारे हैं जिनको अपने शिक्षक जो कक्षा कक्ष में बच्चों को दिखा करके शिक्षण करवाते हैं बच्चों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने ये पढ़ने आज एक एक करके पढ़ेंगे। दृश्य सहायक संसाधन में सबसे पहले अपने पास है वास्तविक पदार्थ। दृश्य सहायक संसाधन का पहला प्रकार है वास्तविक पदार्थ, ठीक है। तो वास्तविक पदार्थ के अंदर अपने देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जिनको जब अध्ययन करवाना है बच्चों को जिनका, तो शिक्षक उनको कक्षा कक्ष में बच्चों को दिखा सकता है ला करके, ताकि बच्चे उसको देख करके उसकी बनावट का है ना उसकी कार्यप्रणाली का अच्छे से अध्ययन कर सके समझ सके। तो वास्तविक पदार्थ जो कक्षा कक्ष में दिखाए जा सकते हैं, ठीक है, उनके आकार या उनके कार्यप्रणाली की बात करें तो इस अनुरूप होती है कि कक्षा कक्ष में उनको सारी से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक पदार्थ जो है जिनको अपने कक्षा कक्ष में बच्चों को दिखा सकते हैं उनकी कार्यप्रणाली को उनकी संरचनाओं को समझाने के लिए, तो उसमें है जैसे थर्मामीटर हो गया, ठीक है। तो एक तो वास्तविक पदार्थ में अपने बच्चों को जो कक्षा कक्ष में दिखा सकते हैं ला करके, इसके अंदर आ जाता है थर्मामीटर, ठीक है, थर्मामीटर जिसको अपने तापमापी भी कह सकते हैं, ठीक है, तापमापी या थर्मामीटर,
ये तापमान जो अपने शरीर का उसको मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टर्स का उपयोग टेम्परेचर जो बॉडी का उसको चेक करने में करते हैं। और थर्मामीटर या तापमापी के बारे में बच्चों को अध्ययन करवाया जाता है शारीरिक विज्ञान के अंदर, जो विज्ञान की एक शाखा है या एक विषय है विज्ञान का, और शारीरिक विज्ञान, ठीक है, और उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है थर्मामीटर का। तो थर्मामीटर के बारे में जब बच्चों को पढ़ाना है शिक्षक ने कक्षा कक्ष में, तो जो शिक्षक है वो जो थर्मामीटर होता है उसको कक्षा कक्ष में ला करके बच्चों को दिखा करके उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करवा सकता है, उसकी कार्यविधि के बारे में बच्चों को सभी से बता सकता है। रूम टेम्परेचर का जो है उसके अंदर अध्ययन बच्चों को करवा सकता है थर्मामीटर को ला करके, या किसी बच्चे के शरीर का टेम्परेचर भी मापा जा सकता है, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य जो है उसके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसलिए थर्मामीटर के अंदर वो रीडिंग में उसको नोट करके तो बच्चों को आसानी से उसकी कार्यविधि के बारे में, उसकी संरचना के बारे में शिक्षक समझा सकता है। तो वास्तविक वस्तुओं के अंदर थर्मामीटर हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं, जैसे जीव विज्ञान के अंदर पुष्प की संरचना का अध्ययन करवाना बच्चों को, ठीक है, तो पुष्प की संरचना का जब टीचर अध्ययन करवाएगा बच्चों को, तो उसका जो पुष्प है किसी भी प्लांट का उसको कक्षा कक्ष में शिक्षक ला करके, है ना, उसके जो दल होते हैं, बाह्य दल होते हैं, वो केसर होता है, स्त्री केसर होता है, बीजांड होता है, अंडाशय होता है, वर्तिकागल होती है, उसके बारे में, वर्तिका होती है उसके बारे में उनको आसानी से वो अध्ययन करवा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक वस्तु में पुष्प भी आ जाते हैं, थर्मामीटर या थर्मापी भी आ जाती है। तो ये मैंने दो उदाहरण दिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कक्षा कक्ष में ला करके, जैसे छोटी क्लास के बच्चे हैं उनको चेयर के बारे में, टेबल के बारे में, पंखे के बारे में बताना है, तो वो छोटी वस्तुएं उनको कक्षा कक्ष में ला करके भी उनके बारे में बताया जा सकता है, ठीक है। तो वास्तविक क्लास जो होते हैं इनको जब कक्षा कक्ष में ला करके दिखाया जाता है बच्चों को, तो बच्चे जो है उसको देख करके अध्ययन में या शिक्षण में सहायता प्राप्त करते हैं। इसलिए दर्शन ऐसे साधनों का उदाहरण है। और इसके एक उदाहरण में बता दीजिए, थर्मामीटर हो गया, पुष्प के बारे में बताना है, पुष्प की संरचना बतानी है, पुष्प ला करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो ये वास्तविक बात है। इसके बाद दूसरा है अपने पास चार चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, ये चार चीजें लिखी है हमने यहाँ पे। तो चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चार सबसे पहले चार्ट जो है इसके बारे में आपको पता होगा कि कोई भी शिक्षण बिंदु है उसको जब अपने कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाना है तो अपने उसका साथ में चार्ट बनाएंगे, ठीक है। तो चार्ट के द्वारा बच्चों को आसानी से अपने अध्ययन करवा सकते हैं, ठीक है। अब चार्ट जो होता है वो उसके ऊपर जो अपने चित्र है कोई, या कोई उसके ऊपर पेंटिंग की हुई है, तो वो रंग वाली भी हो सकती है, बिना रंग वाली भी हो सकती है, ठीक है। तो चार्ट जो है वो हार्डबोर्ड पर भी हो सकता है, और सिंपल प्लेन कागज जो है, या जो एक आता है चार्ट के लिए स्पेशल कागज है उसके ऊपर भी हो सकता है। तो जो चार्ट है, ये चार्ट जो है रेडीमेड बने बने एग्जाम में मिल जाते हैं, और शिक्षक सहायक इसको बना सकते हैं, और कक्षा कक्ष में बच्चों को चार्ट को दिखा करके उनके द्वारा आसानी से उनका अध्ययन करवा सकते हैं बच्चों को। तो दशा सहायक साधन है एक प्रकार का चार्ट, इसके द्वारा बच्चों को आसानी से अध्ययन करवाया जा सकता है, ठीक है। तो चित्र, अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं उनके चित्र बच्चों को दिखाए जा सकते हैं, और बच्चे उनको देख करके आसानी से उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो जो चित्र है या तो अपने यूँ कह सकते हैं कि सूक्ष्म वस्तु है, साफ दिखाई नहीं देगी, तो उसका अपने बड़ा चित्र बना करके बच्चों को दिखा सकते हैं, या ऐसी वस्तु जो दुर्लभ है ना, तो जिनको अपने वास्तविक में दिखा सकते हैं बच्चों को, तो उनके जो चित्र जो है वो बच्चों को दिखाया जाता है। जैसे उपग्रह के बारे में बच्चों को बताने, अब बच्चों को उपग्रह नहीं दिखाया जा सकता है ना, ना इसका अपने चार्ट इतना बढ़िया बना सकते हैं, उसका जो चित्र है उसको अपने अच्छे से बच्चों को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये दर्शन है, एक्शन साधन है। फिर रेखा चित्र, रेखा चित्र आपको पता है कि जो विज्ञान है
करते हैं, तो उसको जब हम संक्षिप्त रूप में दिखाना होता है तो अपने उसका क्या बनाते हैं, रेखा चित्र बना लेते हैं। रेखा चित्र जो है वो तो शिक्षक को रेखा चित्र बनाने की कला आनी चाहिए। रेखा चित्र कम समय में और संक्षिप्त रूप में बनाया जाता है किसी बड़ी विषय वस्तु का, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सके, उसके जो विभिन्न भाग हैं या संरचना है या कार्यविधि है और आसानी से उसको याद कर सके। तो वो रेखा चित्र कहलाते हैं। रेखा चित्र के रूप में भी हो सकते हैं, विज्ञान में भी हो सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में भी हो सकते हैं, ठीक है। रेखा चित्र जो है इनके द्वारा बड़ी वस्तु को संक्षिप्त रूप में बच्चों के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। रेखा चित्र के बच्चे देखते हैं और अपने अधिगम में या शिक्षण में सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद का ग्राफ, ग्राफ जो है आपको पता है कि गणित में मुख्यतः बनाए जाते हैं, ठीक है। ग्राफ जिसको अपने मैप कहते हैं, गणित के अलावा आप कह सकते हो कि गणित के अलावा इनको अपने इतिहास में, ठीक है, या मुख्यतः भूगोल के अंदर, भूगोल के अंदर अपने मैप बनाते हैं। जैसे कोई वनों की स्थिति लिखा दी है, ठीक है, भी कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन ज़्यादा पाए जाते हैं उसको अपने ग्राफ के द्वारा दर्शा सकते हैं। या अपने जनजातियों के बारे में बताना है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र विशेष में ज़्यादा पाई जाती है, किस क्षेत्र विशेष में कम है। वर्षा के बारे में बताना हो तो उसके द्वारा भी ग्राफ के द्वारा अपने बता सकते हैं। गणित के अंदर भी ग्राफ बनते हैं, विज्ञान के अंदर जैसे ओम का नियम है उसका प्रयोगिक सत्यापन करना है तो अपने ग्राफ के द्वारा भी उसको दर्शा सकते हैं। तो दशा सहायक सिद्धांत है ये भी एक प्रकार का। तो चार्ट अपने पढ़ा, चार्ट के बारे में दशा सहायक सिद्धांत है। चित्र ये भी दशा सहायक सिद्धांत है। रेखा चित्र ये भी दशा सहायक सिद्धांत है। ग्राफ ये चारों के चारों दशा सहायक सिद्धांत है। इनका उपयोग बच्चों को शिक्षण में सहायता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है मानचित्र, ठीक है, मानचित्र, ठीक है, जिसको अपने मैप कहते हैं, मानचित्र बनाया जाता है। इसके अंदर बच्चे या तो स्वयं बनाते हैं या ये बना बनाया रेडीमेड भी मिलता है, मतलब शिक्षक इसको स्वयं भी बना सकते हैं और बना बनाया भी रेडीमेड भी मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर जब मानचित्र बनाया जाता है तो इस मानचित्र के अंदर विषम या भारत या राजस्थान अपने मतलब राज्य की बात करें, जिले की बात करें, देश की बात करें, विषम की बात करें, तो मानचित्र के अंदर अपने उसको विश्व के सभी देशों को उनकी स्थिति, उनकी भौगोलिक स्थिति है ना, या उनकी राजनीतिक स्थिति को आसानी से दर्शा सकते हैं, ठीक है। फिर मानचित्र जो है मानचित्र के अंदर अपने किसी भी राज्य का जो है ना भौगोलिक चित्रण कर सकते हैं, उसका राजनीतिक, उसका सामाजिक चित्रण, सामाजिक चित्रण जैसे उसके अंदर जो जातियाँ हैं वो कौन कौन सी किस क्षेत्र विशेष में कैसे हैं, है ना, या अपने फसलों के बारे में, पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, उनका वितरण, भौगोलिक वितरण कैसे है, उनको आसानी से अपने मानचित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं। फिर मानचित्र के अंदर अपने किसी भी देश का या किसी भी राज्य का या किसी भी जिले का जो सड़कों का मार्ग है या जो रेल मार्ग है या जो नदियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, भू आकृतियाँ हैं, जो इनको भी मैप के द्वारा आसानी से अपने समझ सकते हैं, ठीक है। तो जियोग्राफी के अंदर मुख्यतः मानचित्र बनाए जाते हैं, अलग सब्जेक्टों में भी कुछ बनाए जाते हैं, तो बच्चे इनको देखते हैं और देख करके सहायता प्राप्त अपने शिक्षण में करते हैं। तो मानचित्र जो है वो बने बने रेडीमेड भी मिल जाते हैं, शिक्षक समय में उनको बना सकता है और बच्चों को आसानी से अध्ययन करवाया जा सकता है। इसके बाद प्रतिमान, प्रतिमान जिसको अपनी मॉडल कहते हैं, प्रतिमान या मॉडल का उपयोग तब किया जाता है जब हमने कहा है कि कोई ऐसी वस्तु है जिसकी आकृति बहुत बड़ी है, जिसको अपने कक्षा कक्ष में वास्तविक रूप में नहीं दिखा सकते और अपने बच्चों को उसको दिखाना चाहते हैं, उसकी कार्यविधि, उसकी संरचना के बारे में बच्चों को दिखा करके पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वस्तु का आकार इतना बड़ा है कि अपने कक्षा कक्ष में उसको नहीं दिखा सकते, तो अपने कुछ का क्या करते हैं, प्रतिमान बनाते हैं या मॉडल बनाते हैं। मॉडल मतलब उसका संक्षिप्त रूप, छोटा रूप,
ठीक है, बड़ी वस्तु होती है और उसको छोटा कर करके छोटे रूप में बना लिया जाता है, आकृति उसका साइज शेप ठीक है ना, अब बदल जाएगा साइज, दोनों नहीं बदलेंगे सॉरी, तो उसका जो साइज तो बदल जाएगा लेकिन शेप नहीं बदलेगी, शेप वही रहेगी, साइज छोटा हो जाएगा। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज के बारे में बच्चों को मैंने बताना चाहते हैं है ना, तो उसको अपने छोटे रूप में संक्षिप्त रूप में बना करके कक्षा कक्षा में उसका मॉडल जो है प्रतिमा जो बच्चों को दिखा सकते हैं, बच्चे उसको देख करके आसानी से उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। रेलगाड़ी के बारे में बच्चों को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो छोटा सा रेलगाड़ी का मॉडल है ना संक्षिप्त रूप में बना करके कक्षा कक्ष में ला करके बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉडल या प्रतिमा जो बनाया जाएगा जिस वस्तु का बनाया जाएगा हूबहू उसके जैसा ही होना चाहिए, किसमें आकृति में है ना, उसका लगभग रंग उसकी आकृति है ना आकार रंग का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि अब अपने कक्षा कक्ष में छोटे रूप में दिखा रहे हैं है ना, तो उसका अपने आकार तो छोटा करना पड़ेगा लेकिन उसकी आकृति अपने लगभग वही रखेंगे जो शेप है, जैसे वास्तविक वस्तु की होती है उसका रंग है ना, तो उसके बारे में इसका विशेष ध्यान रख करके बच्चों को दिखाया जाएगा ताकि बच्चों में भ्रम पैदा ना हो। अब जैसे अपने रेलगाड़ी का मॉडल बनाने से जो वास्तविक रेलगाड़ी का जैसा रंग होता है डिजाइन होता है शेप होती है वैसा ही बिल्कुल बनाएंगे, आकार छोटा कर देंगे। तो प्रतिमान है बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हमने वास्तविक रूप में प्राप्ति नहीं अपने को, मतलब अपने उनको वास्तविक रूप में देख ही नहीं पाते, प्राप्ति नहीं कर सकते उनको, ना तो चित्र ले सकते हैं है ना, ना उनको अपने प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक रूप में, तो अप्राप्य वस्तुएं कुछ उनका भी अपने फिर क्या करते हैं बच्चों को मॉडल बना करके देख सकते हैं। जैसे हमने कहते हैं मनुष्य का हृदय, और मनुष्य के हृदय की संख्या के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, मनुष्य के हृदय को प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए उसका फिर क्या किया जाता है मॉडल बनाया जाता है, चार्ट बनाया जाता है ठीक है। मनुष्य के फेफड़े मतलब अपने शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं जिनको अपने प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर उनका क्या किया जाता है मॉडल बनाया जाता है, वो बिल्कुल उसके जैसे ही होता है, बच्चों उसके द्वारा आसानी से समझा सकते हैं ठीक है। प्रतिमा के बाद अपने पास आता है बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के अंदर क्या है, ये एक प्रकार का बोर्ड है जिसके अंदर किसी भी देश की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक जो है समस्याएं हैं है ना, या जो उपलब्धियां हैं उनको प्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो जो शिक्षण के अंदर इसकी बात करें तो शिक्षण के अंदर भी जो शिक्षण की विषय वस्तु है या जो नए नए प्रयोग हैं या आविष्कार हैं या बच्चों की जो विषय वस्तु है उसको ब्लैकबोर्ड बोर्ड के ऊपर अपने प्रदर्शन कर सकते हैं, ब्लैकबोर्ड बोर्ड के ऊपर बड़े बड़े आकार के अंदर जो है वस्तु को या पदार्थ को प्रदर्शित किया जाता है और बच्चे आसानी से उसको देख करके उसके द्वारा अध्ययन में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और ब्लैकबोर्ड बोर्ड जो होता है इसका आकार इसका प्रदर्शन भी आकर्षक होता है जिससे बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती है, बच्चे उसको देख करके अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और उनमें अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ती है। तो बुलेटिन बोर्ड जो है इसकी सहायता से भी बच्चों को अधिगम में सहायता उनकी की जा सकती है, दर्शन लाइक साधन है, बच्चे उसको भी देखते हैं और देख करके इसकी सहायता से इसका अपने शिक्षण में उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद अपने पास आ जाती है जादू की लालटेन। जादू की लालटेन क्या है, ये एक प्रकार का चित्र विस्तार के यंत्र अपने कह सकते हैं, जादू की लालटेन कहते हैं चित्र विस्तार के यंत्र, एक प्रकार का चित्र विस्तार का मतलब ये चित्र को बड़ा करके दिखाता है कि कोई छोटा चित्र है अपने उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो या कोई विषय वस्तु अपने उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो जादू की लालटेन नाम से एक यंत्र है, एक उपकरण है जो चित्र को बड़ा करके दिखाता है ठीक है। तो इसका उपयोग कर सकते हैं शिक्षण में दर्शन साधन के रूप में। अब इसके अंदर क्या है कि जब जादू की लालटेन का उपयोग करते हैं तो इसके अंदर ये रहता है कि अपने को इसमें जो चित्र अपने को प्रदर्शित करना है दिखाना है वो जो है चित्र अपने को पारदर्शी जो कांच होगा उसके ऊपर पहले बनाना पड़ेगा, जो अपने जैसे स्लाइड बनाते हैं विज्ञान के अंदर, तो पारदर्शी कांच के ऊपर पहले वो चित्र बनाया जाएगा, फिर उसको अपने विस्तार के अंदर जादू की लालटेन के अंदर दिखा सकते हैं। फिर उसके लिए अंधेरे कमरे की आवश्यकता पड़ती है, अंधेरे कमरे के अंदर
इसको उपकरण को उपयोग में ला सकते हैं, अपने प्रकाश में इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो अंधेरे कमरे में पारदर्शी कांच के ऊपर जो बना हुआ चित्र है उसको अपने बड़ा करके आसानी से बच्चों को दिखा सकते हैं, ताकि बच्चे अपने दिनों में सहायता प्राप्त कर सके। तो ये अपने पास है विजुअल टीचिंग एप दृश्य सहायक संसाधन। तो अपने छह पढ़े आज, बाकी इसके बाद और भी है वो अपने कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज अपने जो छह पढ़े डिस्कस कर लिए, वास्तविक ग्राफ, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, ग्राफ, फिर मानचित्र, प्रतिमान, बुलेटिन बोर्ड, जादू की लाठी, ठीक है। तो ये छह मुझे उम्मीद है भी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी को प्रॉब्लम को समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बाकी इसके बाद वाले अपने घर वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।